तो इस वक्त की बड़ी खबर है, एनसीपी कांग्रेस की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है और इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में ये सिद्ध हो चुका है, ये साबित हो चुका है कि क्या होगा महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का। जो बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा था उसको लेकर बड़ा सच यहाँ पर सामने आ चुका है। यहाँ पर जो खोखले दावे थे वो बिल्कुल यहाँ पर साबित हो चुके हैं कि वो खोखले ही दावे हैं और राष्ट्रपति शासन अब महाराष्ट्र के अंदर लग चुका है। लेकिन इसको लेकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर कांग्रेस को न्योता ना देना ये गलत बात है और राज्यपाल ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाया इसके लिए यहाँ पर कांग्रेस नेता हूँ एनसीपी नेता है वो इसके लिए कह रहे हैं कि ये यहाँ पर राज्यों में जो केंद्र की है वो मनमानी यहाँ पर की जा रही, साफ तौर पर यहाँ पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बातचीत पूरी होने के बाद शिवसेना से बात होगी, पवार ये कह रहे हैं। तो ये अब तक की बड़ी खबर है कि शिवसेना एनसीपी की बिल्कुल यहाँ पर कोई बात नहीं हुई, जहाँ यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर हुंकार भर रही थी कि हमारी सरकार बन जाएगी और जो उन्हें समय मिला था उस समय के अंदर ये कह रहे हैं कि वो उनके लिए टाइम कम था, इस कारण से उन्हें और समय मिलना था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। लेकिन बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में आज तीन बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, एक यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस तो यहाँ पर शिवसेना की तरफ से भी और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो पूरी तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ऐसे में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है और जो विपरीत दल हैं वो कहीं ना कहीं आपसी समझौते पर समय लेना चाहते हैं। तो अब 6 महीने का समय यहाँ पर महाराष्ट्र में मिल चुका है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन पर उद्धव ठाकरे ने भी जताई है नाराजगी। उन्होंने साफ तौर कहा है कि अगर हमें यहाँ पर 48 घंटे का समय और मिल जाता तो कहीं ना कहीं वो सरकार बना सकते थे और उन्होंने अभी भी कहा है कि हम सरकार बनाएंगे। और बड़ी खबर है कि बीजेपी से उन्होंने अभी नाता नहीं तोड़ा है, ये अब तक की बड़ी खबर है कि यहाँ पर एनसीपी शिवसेना से बात चल रही है लेकिन शिवसेना बीजेपी की सरकार बन सकती है ये अभी भी यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और कहीं ना कहीं अब शिवसेना को एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो किया है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। मेरा एक सवाल है कि अगर शिवसेना की तरफ से 50-50 फॉर्मूले की जो बात की जा रही है तो क्या 50-50 का जो फॉर्मूला है तो 50-50 सीटों पर मतलब 50% सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा गया। इसी बीच बीजेपी की तरफ से भी जो बयान जारी किया है कि हम भी सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र में, हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, हमारे पास जो 145 विधायकों का जो समर्थन है बहुत जल्द हम इसको यहाँ पर सिद्ध करेंगे। और साफ तौर पर बीजेपी ने कहा है कि यहाँ पर शिवसेना को उल्लू बना रहे हैं एनसीपी कांग्रेस, जिस प्रकार से एनसीपी और कांग्रेस ने आज सिद्ध किया है कि हमारी अब तक हमारे दोनों बीच में ही यहाँ पर जो बैठक है वो अभी क्लियर नहीं हुई है, जो मुख्य बिंदु है उन पर चर्चा जारी है और आने वाले समय में उन बिंदुओं पर चर्चा होगी, इसके बाद हम शिवसेना से बात करेंगे। तो महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखाएं तो महाराष्ट्र में तस्वीर बिल्कुल साफ है, किसी के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लेकिन अब आने वाले समय में हो सकता है बीजेपी प्लस शिवसेना की सरकार बने, क्योंकि आज जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है उनमें साफ तौर पर ऐसा देखने को मिला है, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर साफ तो कहा कि हमारी तरफ से यहाँ पर रिश्ता नहीं तोड़ा गया है। और आज जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं शिवसेना का उन्हें सहयोग मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के बाद दोबारा चुनाव होंगे या फिर यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस की सरकार बनेगी या प्लस बीजेपी प्लस शिवसेना की यहाँ पर जो शर्त है उसको मानकर यहाँ पर सरकार बनेगी, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।